बार मुझसे कहा गया था भोपाल से लड़ने के लिए, जो मेरी सीट नहीं थी, लेकिन पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा पालन करेंगे। खिलाफ गुना से चुनाव लड़े लोकसभा में तो क्या, जो आदेश होगा पार्टी का करूँगा। देखिए मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूँगा। आपकी इच्छा है सर लड़ने की? नहीं, बात यह है मेरी सीट जो है राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है, गुना पार्लियामेंट सीट नहीं है। पिछली बार मुझसे कहा गया था भोपाल से लड़ने के लिए, जो मेरी सीट नहीं थी, लेकिन पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा पालन करेंगे। एक सोशल मीडिया कोई अभी यहाँ पर यात्रा से, जैसे मैंने आपको कहा था, तो प्रदेश का भी चुनाव है, इसके लिए कोई प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं ना, निखिला जी हम लोग घूम रहे हैं, और बाकी अब हर असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस का एक बड़ा नेता पब्लिक मीटिंग लेगा, वहाँ पर पूरा रुकेगा। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, कुछ क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ते, केवल वोट काटने के लिए लड़ते हैं, चाहे MIM हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र परिषद हो। गोंडवाना भी कोई रिकग्नाइज पार्टी नहीं है, ये केवल कांग्रेस को हराने के लिए, या BSP भी हो, कांग्रेस को हराने के लिए ही ये अपने सौदेबाजी करके चुनाव लड़ते हैं। मैं यहाँ के सिवनी के आसपास और मध्य प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हर राजनीतिक दल के योजना, रीति नीति, कार्यक्रम के आधार पर वोट दीजिए। जो भी आज इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति को फायदा, तो और ये तो चुनाव आयोग का की निष्पक्षता पे हमको संदेह होने लगा है कि सोनिया जी के एक भाषण पर तो नोटिस उनको मिल सकता है चुनाव आयोग का, लेकिन खुलेआम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जब बटन दबाओ तो जय बजरंग बली के नाम लेके बटन दबाओ, ये क्या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के विपरीत नहीं था? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत ये कानून अपराध नहीं है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसमें हमें आपत्ति है। प्रदेश चुनाव में अभी जो रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था 50% महिलाओं का, और फिर ODC का, ST SC का, क्या मध्य प्रदेश की सीटों में भी ये लागू किया जाएगा? जहाँ भी अच्छे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे इन वर्गों में, उनको बिल्कुल लिया जाएगा।